Men det är så god idag. ये वो सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने दो तीन दिन पहले क्वारंटाइन में असराबाद खुद में रख दिया था, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। हम लोगों का प्रयास ही चल रहा है कि जितने भी कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स की सूचना आ रही है, इमीडिएटली उनके परिवार के लोगों को और उनका जिससे प्राइमरी कॉन्टैक्ट हुआ है उस मोहल्ले में, जहाँ आना जाना रहता है, जिनसे उठना बैठना रहता है, वो जाँच होती है। जो जाँच कुछ आधे घंटे 40 मिनट में करनी होती है हम लोगों को, और इमीडिएटली उन लोगों को हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है किसी क्वारंटाइन सेंटर में। ये 17 उसी कैटेगरी के लोग हैं। अभी डिटेल्स आ रहे हैं व्यक्तियों के नाम, तो हम लोग ये लोग किस घरों में रहते थे, अगर उनके परिवार के कोई सदस्य बच गए होंगे, वो जिससे मिल रहे होंगे, फर्दर फिर उनको क्वारंटाइन हम लोग करेंगे आगे। तो ये संख्या जो हम लोग आकलन है, क्योंकि एक ही मोहल्ला है ये, रानीपुरा नयापुरा वाला जो एरिया है, दौलतगंज हाथीपाला, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए। चंदन नगर में खजराना में डिटेल सर्वे हम लोगों ने शुरू करा दिया है, सब अधिकारी को ब्रीफिंग अभी कर दी है हम लोगों ने। आशा का, ANM का और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अलग टीम बनाई जा रही है, जो जा जाकर दवाइयाँ दी, प्रोफिलेक्सिस ट्रीटमेंट है इन एरिया में, वो ट्रीटमेंट पूरा करेंगे। एक इसके पहले एक सर्वे टीम अलग मूव हो रही है, उसके लिए अलग अधिकारी ड्यूटी लगा रहे हैं, कि जो पूरा सर्वे करके किसी में सिम्टम्स तो नहीं है इस तरह के, सर्दी खांसी छींक के, तो उनको भी हम लोग ध्यान देंगे, उनको जरूरत होगी तो आइसोलेशन में ले जाएंगे वहाँ से। तो ये पूरे प्रिकॉशन हम लोग के शुरू हो गए यहाँ से। 27+17 आज हो गया, इसको जोड़ लीजिए आप, और दो डेथ हुई हैं अभी तक। सर, जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जो पेशेंट्स मिले हैं, मरीज संक्रमित मिले हैं, आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक, जिला प्रशासन की बैठक आपने ली है, कुछ कड़े निर्देश दे सकते हैं क्या? इंदौर जो टोटल लॉकडाउन था उसको बरकरार रखा जा सकता है? इस शहर के हेल्थ को देखते हुए, जिस प्रकार से ये 17 पेशेंट्स अभी आए हैं, अभी हम लोग मेंटली तैयार हैं कि संख्या काफ़ी बढ़ेगी। अभी है जो हम लोगों ने कल दो दिन में 450 करीब लोगों को हम लोग क्वारंटाइन में डाला है, हम लोगों ने उनकी भी स्वैब टेस्ट 285 गए हैं, वो भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी आज शाम से रात से, तो ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी। अभी हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट की संख्या बढ़ेगी, उसमें हम लोग बैकएंड पे जो क्वारंटाइन शिफ्ट करना है उनको, उस एरिया में जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट की जांच करनी है, उनके स्वैब टेस्ट करना है, स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट इमीडिएटली बुलानी है, वो हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। इसके लिए क्वारंटाइन के सेंटर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, हमारी कोविड पेशेंट्स के लिए 600-700 कैपेसिटी है, उसके लिए भी आगे एक दो हॉस्पिटल और ले रहे हैं हम लोग, ताकि एडवांस हम लोग अस्पताल कोई अगर रेड कैटेगरी में, आज मैंने आदेश भी जारी कर दिया है जो आप लोग संज्ञान में भी होगा, दो कुछ अस्पताल रेड कैटेगरी में रखे हैं, कुछ ग्रीन में रखे हैं, कुछ येलो में रखे हैं। येलो में इससे जुड़ते मिलते मिले जुले सिम्टम्स के लोग इसमें जाएंगे, बाकी ग्रीन में अन्य सभी श्रेणी के जो लोग हैं इससे हट करके, उनका इलाज पूर्ववत सामान्य व्यवस्था अनुसार उनका होता रहेगा। ग्रीन श्रेणी के अस्पतालों को इसलिए हम उन्हें आइसोलेट करके रखा है कि बहुत बड़ी आबादी है, अधिकांश लोगों को सामान्य अन्य तरह की तकलीफें रहती हैं इसमें, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए ग्रीन श्रेणी के सबसे ज़्यादा हम लोग रखे हैं। ग्रीन श्रेणी के जो अस्पताल हैं उसमें बाहर स्क्रीनिंग होगी, जो भी अगर सर्दी खांसी टाइप का पेशेंट आएगा, इसमें भी 99% लोग कोविड से प्रभावित नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग कि ग्रीन श्रेणी के सामान्य अस्पतालों में कोविड या उससे जो मिलते जो सिम्टम्स से आदमी जाता है, तो वहाँ का स्टाफ भी डरता है, पब्लिक भी डरती है, और संक्रमण की भी एक खतरा रहता है। दूसरा, मैं आपके चैनल से ये भी बतलाना चाहूँगा कि कोरोना जो है वो स्वाइन फ्लू से कम खतरनाक है, इतना खतरनाक नहीं जितना स्वाइन फ्लू था। इसमें अधिकांश पेशेंट्स ठीक होकर वापस हो जाने की स्थिति में, जो भी एडमिट हुए थे अस्पतालों में, वो सब ठीक होने की स्थिति में आ रहे हैं, और कुछ है, हम लोग एक प्रोटोकॉल रहता है कि दो बार जब टेस्ट निगेटिव आता है तब डिस्चार्ज कर सकते हैं, और जो मैं निरंतर डॉक्टरों से देख रहा हूँ इनकी जो यहाँ इनके क्योरिटिव मेजर्स चल रहे हैं अस्पतालों में, इसमें कुछ जरूर क्रिटिकल थे जिनको कि दूसरी समस्याएं थी और उससे डेवलप हो गया इससे जो है, पर वो ठीक होके जा रहे हैं। तो इसमें बस संक्रमण फास्ट होता है इसका, इसलिए मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, जो मैं ये लॉकडाउन चल रहा है इसके लिए मानसिक तौर पर लोगों को तैयार रहना चाहिए, ये पूरा वीक हम लोगों को सख्ती करनी पड़ेगी, लॉकडाउन रहेगा ये, लॉकडाउन मतलब कर्फ्यू का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसमें दवा बाजार, दवा केमिस्ट एसोसिएशन के जो ड्रग के जो होलसेल डीलर्स हैं जिनके की लसोड़िया असोड़िया में गोडाउन हैं, इसमें जो ड्रग मैन्युफैक्चरर जो सदस्य हैं इनकी फैक्ट्री, ये सब खुली रहेंगी, और इससे जुड़े हुए जितने भी लेबर क्लास के भी लोग हैं उनको सबको ये लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके यहाँ काम करते हैं। पुलिस मात्र इनके प्रमाण पत्र को देख करके उनको आने जाने की वो देगी। इस संबंध में DIG साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, आज हमारी इन एसोसिएशन की मीटिंग पदाधिकारियों से बात हो गई है, और अभी फर्दर कुछ समस्याएं थी वो भी मैं पुलिस अधिकारियों से कंसर्निंग से बात करके उसको सॉर्ट आउट करा दूंगा। तो ये छोड़ करके अपने दवाइयाँ छोड़ करके सुबह दूध में कुछ व्यवस्था पुलिस ने आज सुधारी है, कल जिस प्रकार से जनता निकली थी उसमें मुझे आपत्ति है। मैं फिर से अनुरोध करूँगा जनता से, कृपया अपने भी स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का और अपने आसपास के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, थोड़ा
जिस तरह से बिना सोचे समझे लोग कल दूसरी तरफ उमड़े थे, ये मतलब उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और पूरे शहर के लिए खतरा है ये। अभी ये कोरोना पेशेंट्स मेंटली सबको तैयार रहना चाहिए, संख्या बढ़ेगी ये। अब ये 50 जो 27 पे 17 हुई है, 50 हुई है लगभग, अगर ये बढ़ के 100 होती है, 200 होती है, 250, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि अंदर कहाँ तक फैल गया उसको पकड़ कर रहे हैं हम लोग अभी, कि जैसे जैसे पॉजिटिव केसेज आते जा रहे हैं, इमीडिएटली हम लोग वहाँ के एरिए के 40-50 लोगों को शिफ्ट करते जा रहे हैं ताकि आगे संक्रमण फैलने से बस्तियों में रोक सकें। इस मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया। देखिए क्या है, देखिए वो हम पीपी जो येलो कैटेगरी का अस्पताल है उसमें सबको हम लोग पीपी किट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्रीन कैटेगरी के अस्पताल है जहाँ इस प्रकार के कोई भी पेशेंट नहीं जाएंगे, उनको जो नॉर्मल HIV किट्स रहती हैं जो बहुत संख्या में मौजूद हैं अस्पताल दवा बाज़ार में, वो यूज़ कर सकते हैं वो लोग। जो कोविड के रेड कैटेगरी के पेशेंट्स हैं वहाँ हम लोगों की पूरी यही पीपी किट्स हम लोगों की गई हुई है, वहाँ कोई इशू नहीं है। तो येलो कैटेगरी में, रेड कैटेगरी में पीपी किट्स का कोई इशू नहीं होगा। बाकी अस्पतालों में HIV किट्स के जो यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में बहुतायत में है, उससे काम चल जाएगा उनका। देखिए कहीं पे संक्रमण होना कोई बड़ी बात नहीं है, संक्रमण होता है अपन लोगों में से बहुत सारे लोगों को हो और 14 दिन में अपने आप ख़त्म भी हो जाए, पता नहीं चले अपने को, ये ऐसा नहीं है। इंडिया में इस वायरस का बहुत रेजिस्टेंस है, मतलब इंडियन बॉडी जो है वो इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत सक्षम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। चूँकि यहाँ पर घनी बस्ती थी, ये नयापुरा ये वाली सब चीज़ें, या आपस में मिलना जुलना, पास में रहना, एक ही परिवार में सदस्य एक एक कमरे में बहुत लोगों में रहना, इसका थोड़ा जल्दी फैला, उसको पर हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे उसकी, उसी में पूरी। अब रोज़ हम ब्रीफिंग ले रहे हैं, डेली हम लोग की मीटिंग्स कहीं ना कहीं हो रही हैं किसी न किसी अधिकारी कर्मचारियों से, प्लानिंग डेली चल रही है हम लोगों की। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 7 दिन में हम इसमें, शनिवार तक कुछ होगा, पर मेंटली सबको प्रिपेयर रहना चाहिए। कोरोना के पेशेंट्स बढ़ेंगे, हमको क्वारंटाइन संख्या बढ़ानी होगी, हम वो बढ़ा रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ेंगे, हमको कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट की जो अस्पताल सुविधा है वो बढ़ानी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। और लॉकडाउन रखना पड़ेगा शहर 7 दिन के, लोग मेंटली प्रिपेयर रहे हैं इसमें, बिल्कुल सख्ती रहेगी इसमें। क्लीनिंग का कुछ विचार किया, क्योंकि कई जगह इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएं कि वहां पे आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, कहां पर एसी जो पोस्ट थे उनके, एसी कोचेस का अभी जरूरत नहीं है, है कर लें, कर लेंगे।